चलिए एक और अपनी नई स्टूडेंट से मिलते हैं, गोरवी से, जो जिनकी ऑल इंडिया 191 रैंक है और ये आसाम से हैं और इनको एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ है। तो गोरवी, सबसे पहले इस रैंक और एनआईटी इलाहाबाद के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर, हेलो एवरीवन, आई एम गोरवी चक्रवर्ती फ्रॉम जिंजियर स्टेट आसाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपको और प्रतीक्षा को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सर आपने हमें कभी, ऑनलाइन स्टूडेंट हो या फिर इतना दूर में रहती हो, कभी मैसेज होने नहीं दिया। और फिर मैं इंपेटस के सभी सीनियर्स को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ, स्पेशली सागर गुप्ता भैया को और अक्षय गवाय भैया को, उन लोगों ने मुझे लास्ट फ्यू डेज बहुत सपोर्ट किए थे सर। ये इम्पीटस की सबसे बड़ी पहचान जो है ना गौरवी, वो यही है कि इम्पीटस की पूरी टीम जो है, मतलब जूनियर सीनियर सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब आपको भी अपने जूनियर्स की ऐसी हेल्प करना है। तो गौरवी, आपने क्योंकि फाइनल ईयर के बाद ड्रॉप लिया था और उसके साथ आपने ये प्रिपरेशन करी और आपने ऑनलाइन घर पे रह के, इतने दूर रह के प्रिपरेशन की, तो मैं जानना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जब आपने ड्रॉप का डिसीजन लिया, तो उस डिसीजन के बाद आपके मन में क्या क्या विचार आया? एक फेयर तो नहीं था, डर तो नहीं था? दूसरा कि आपकी जो सक्सेस जर्नी है, ये हर बच्चा जानना चाहता है, क्योंकि कई बार ड्रॉपर बच्चे स्पेशली कंफ्यूज रहते हैं। तो आपकी इंटायर जो जर्नी है वो कैसी रही और कब आपने बिल्कुल मन बना लिया था कि नहीं, मुझे एमसीए ही करना है और निमसेट ही देना है? सर, जैसे कि लास्ट ईयर निमसेट बहुत डिले हुई थी और मुझे निमसेट के बारे में तब तक अच्छे से पता नहीं था कि हर एमसीए एंट्रेंस से क्यों निमसेट स्पेशल होते हैं। तो फिर मेरे यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे एडमिशन भी हो गई थी और हॉस्टल का अरेंजमेंट भी हो गया और क्लास भी करने लग गई थी मैं। पीजी के लिए? पीजी के लिए ना? एमसीए में? अच्छा, एमसीए में, ओके। हाँ, लेकिन सर मतलब एक गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ का। तो फिर सर जब 22 अक्टूबर को निमसेट देने गई थी मैं वहाँ पे, तो सेंटर में कुछ सीनियर्स से मिले, फिर कुछ इवन हम लोग का सुपर सीनियर्स भी आए थे वहाँ एग्जाम देने के लिए। तो मुझे लगा कि ऐसे तो कोई एक दो साल वेस्ट नहीं करेंगे उन लोग, तो मुझे लगा कि उन लोग से जाके बात करना अच्छा रहेगा। तो फिर मैं जाके जब बात की तो निमसेट के बारे में पता लगा, तो फिर मुझे भी लगा कि क्यों ना मैं भी एक साल अच्छे से ट्राई करके देखूं। लेकिन इतना कॉलेज गिदा नहीं कर पा रही थी कि पापा को कैसे बताऊं कि मैं ये कॉलेज छोड़ना चाहती हूँ और दोबारा मतलब अच्छे से एक बार निमसेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। तो फॉर्चुनेटली उस टाइम दुर्गा पूजा का वेकेशन चल रही थी हम लोग का, तो फिर मैं घर गई तो पापा से डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकती हूँ, तो पापा को इनडायरेक्टली पूछने की, मतलब मैंने इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश की कि पापा अगर कोई आपको आज 3,000 रुपीज दे और अगर आप कुछ महीने रुक जाए तो आपको 50,000 रुपीज दे, आप कौन सा लेंगे? तो पापा ने बोला कि 3,000 ही ले लेंगे अगर 50,000 की बात मतलब बार बार ना सताए तो। तो पापा को भी समझ में आने लगा कि मैं अगर निमसेट के लिए एक बार ट्राई करके ना देखूँ और उस कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज कर लूँ तो शायद मैं खुशी से पढ़ नहीं पाऊंगी। तो फिर पापा ने भी बोला कि हाँ, पापा एग्री भी हो गए। और फिर कुछ दिन बाद मुझे एक हरियाणा के दोस्त प्रांजल अग्रवाल से मतलब जान पहचान हुई, तो उसने वो भी इम्पीटास के स्टूडेंट थे, तो फिर उसने मुझे आपके बारे में बोला था। उस टाइम मैं यूट्यूब में इतना एक्टिव नहीं रहती थी तो मुझे इतना अच्छे से पता नहीं था, तो जब उसने बोला तो फिर मैं आपका वीडियो देखा, मुझे भी अच्छा लगा, तो फिर मैं भी ज्वाइन कर ली सर। और इस बात के दौरान मैं सर आपको और एक बार थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उस टाइम आप हमारे फाइनेंशियल कंडीशन को समझते हुए आपने मुझे सर इंस्टॉलमेंट में फी पेमेंट करने में थोड़ा हेल्प कर दिए थे आपने सर। तो गौरवी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअल में जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो इंटरव्यू में बहुत सारी नई चीजें पता चलती, जैसे कि आपने एक तो अपने पापा को काफी अच्छे से कन्विंस करने की कोशिश की, नंबर वन। दूसरा, आपने एक चीज समझी कि जिस गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं वहां से एमसीए करके हो सकता है जॉब लग जाए, हो सकता ना लगे, लगे भी तो उतनी अच्छी नहीं। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं, हम कर सकते हैं, और उस चीज के लिए आपने किसी तरह से फैमिली को कन्विंस किया। फिर आपने सोचा, आपने अगस्त के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की, एक तरह से देखा जाए तो आपने लगभग लगभग 8 से 10 महीने में इतनी अच्छी रैंक अचीव की, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। और कई लोग क्या होता है, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, जैसे आपने एडमिशन लेके भी अपने मन की बात सुन ली, और ये आपकी लाइफ का, मुझे लगता है इंटायर लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन है। कई लोग इस एक साल को बचाने के चक्कर में बाद के कई साल खराब करते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया।
और जो बच्चे अभी ड्रॉप लेने से या कंफ्यूज होते हैं उनके लिए काफी आप रोल मॉडल का काम करने वाले, आप तैयार रहना, कई बच्चे आपसे अभी जुड़ने वाले और क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि कैसे कन्विंस किया। अच्छा आप ये बताओ आपका ऑनलाइन का क्या एक्सपीरियंस रहा गौरवी? सर ऑनलाइन में तो सर आपने कभी महसूस होने ही नहीं दिया कि हम लोग इतना दूर रहते, तो मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आया ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, क्योंकि सर इवन एग्जाम और रिजल्ट के बीच में जो दिन थे वो बहुत टफ टेस्ट था, क्योंकि हम लोग को टेंशन होते जा रहा था और मुझे तो वो एरिया अंडर कर्व का 15 मार्क्स भी नहीं छोड़ा मुझे तो सो उस टाइम आपका मोटिवेशन बहुत मतलब काम कर रहे थे और इसलिए मुझे कोई ऑनलाइन की वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई। इम्पिटस गुरुकुल का ऑनलाइन कोर्स है भी ऐसा कि कहीं फील नहीं होता कि वो ऑफलाइन से कम है कहीं, ये सबसे खास बात है। कई बच्चे जो आज पहले बाहर निकल, उनकी मजबूरी होती थी बाहर निकलना, पर आज ये अच्छा है कि हर बच्चा अपने घर में रहके, या मान लो घर में पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं हमेशा बोलता हूँ अब वही बच्चा भोपाल आता है जिसकी बाई चांस घर पे पढ़ाई नहीं होती या जिसको एटमोसफेयर नहीं मिलता या कोई डिफिकल्टी होती, और इस तरह से हम देखें तो हमने इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बना लिया। अच्छा आप अपने उन बच्चों को जो ड्रॉप लेने से घबराते हैं या सोचते हैं, क्योंकि आपने बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया एडमिशन लेने के बाद, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा और जूनियर्स के लिए जो फाइनल ईयर सेकंड ईयर में उनके लिए, क्योंकि आपने तो फाइनल के बाद ये डिसाइड किया, हो सकता है आप सेकंड ईयर से प्लान करते तो शायद ड्रॉप नहीं लेना पड़ता। सर मेरा तो ऐसे कि जिन लोग अभी शायद एग्जाम देने के बाद अच्छा नहीं हुआ तो फिर कहीं और एडमिशन लेने के लिए मतलब प्रिपरेशन ले लिए, तो फिर उन लोग के लिए तो मैं यही बोलना चाहती हूँ एक बार कोशिश करके देखो अच्छे से, क्योंकि अगर मुझे हुआ तो आप लोग का भी जरूर होगा। और जिन लोग तो अभी नीम सेट की प्रिपरेशन करने लग गए तो उन लोग के लिए मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। तो गौरवी आपने स्टार्टिंग में मुझे बोला था, मैं चाहूंगा आपने बोला था मम्मी भी कुछ बोलना चाहती, क्योंकि ये इम्पिटस गुरुकुल तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी क्लासेस अटेंड करते हैं, उनके भी अपने एक्सपीरियंस होते हैं, तो मैं चाहूंगा आप अपनी मम्मी को भी मिलवाओ मुझसे और इंट्रोड्यूस करवाओ, उन बच्चे भी जब सुनते हैं तो काफी अच्छा लगता है उनको। जी सर जी, हमारा जहाँ पर उसका हमने घर है वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था सर, तो वहाँ पर एक छोटा स्कूल था तो क्लास 4 तक पढ़ा के हम लोग विश्वनाथ चाली बोलते हैं, वहाँ पर जाके उसका दीदी है एल्डर सिस्टर, तो उन दोनों को लेके हम अकेले वहाँ जाते थे वहाँ पर पढ़ाई के लिए। ओके ओके, तो बाहर ही स्टडी सब बाहर में ही होते थे, तो उसके बाद यहाँ से दरंग कॉलेज में वो ग्रेजुएशन किया है इस साल, तो आपका इम्पेटस में मिल गया आपको पास तो आज आप नहीं होते तो वो शायद नहीं होता। अच्छा ये जब ऑनलाइन क्लास अटेंड करती थी तो बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बताते हम भी आपकी क्लासेस देखते थे, तो आप जब ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तो आपको ये घर पे कैसा एटमॉस्फेयर रहता था और आप कैसा फील करते थे उस क्लास को देख के? सचमुच एकदम स्कूल की तरह एकदम इतना अच्छा लगता था सर, अभी तो क्लास नहीं हो रहा ना एकदम मैंने खाली जैसा लग रहा है जी जी मुझे ऐसा अच्छा लगता है, देखिए पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट होता है और मुझे लगता है आपने उसको काफी सपोर्ट किया, क्योंकि क्लास के समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है घर में कम से कम डिस्टर्बेंस हो, बच्चे अच्छे से पढ़ पाए, तो वो जब क्लास चलती होगी तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो कंप्रोमाइज तो करना होता होगा। हाँ 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 और उसका दीदी भी बहुत उसका साथ दिया। अच्छा। उसका क्योंकि वो इस साल वो एग्जाम देने को गया ना तो गुवाहाटी में एग्जाम मिला था। ओके। तो वहाँ तो आपको रात को 12 बजे निकलना पड़ता है। ओके। तो और दीदी ने सब इस सब अरेंज किया, पापा घर में रहते हैं ना तो इनका डिस्ट्रिक्ट बंद है, तो इसीलिए हम लोग सब एक साथ आ रहे हैं, रिजल्ट भी अच्छा ही आया। जी जी जी, अच्छा लगा और आपको भी बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत बधाई, और बच्चों की मेहनत के साथ साथ पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा एक सपोर्ट होता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो गौरवी हाँ। देखो आपके पेरेंट्स का कितना आपके साथ सपोर्ट रहा, आपने हिम्मत जुटाई और फिर आपके घर वालों ने साथ दिया, आज इतनी अच्छी रैंक आई है गौरवी की, इतना अच्छा कॉलेज मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप जिस जगह से हो वहां पे अक्सर कई बार बच्चे कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तो आप अपने आसाम के लिए काफी रोल मॉडल जैसा काम करने वाले हो आने वाले समय में। थैंक यू सो मच। ओके, तो मुझे बड़ा मजा आया गौरवी मम्मी से बात करके, आपकी मम्मी बहुत प्यारी है और आप तो एक दोस्त जैसे हो एक दूसरे के लिए, है ना?
एकदम ठीक बोला सर। हाँ, हम तो, दो बेटी जैसे दोस्त के वहां पे चलते हैं। हाँ, वो मुझे देख के समझ में आ गया वो। चलिए बहुत अच्छा लगा, आप ऐसे कभी मन हो तो आप बात करा करिएगा। गौरवी आप भी बेटा कनेक्ट रहना और भोपाल जरूर आना एक बार मम्मी के साथ। ये तो हमारा बहुत इच्छा है सर। हाँ बिल्कुल आइएगा, क्योंकि जब कभी भी इलाहाबाद आएगी जाएगी आप कभी भी आइए, मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ 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 ठीक है बेटा, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू।